नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारे ज्योतिष के उपायों की ही सीरीज का एक हिस्सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी सीरीज है। इस सीरीज में आपको ग्रहों से संबंधित मंत्रों के बारे में गंभीर जानकारी मिलेगी। कुंडली को देखे बगैर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य जैसा ग्रह हमारा हमारे को सही फल नहीं दे रहा, और उपाय जो हम करके बहुत साधारण उपायों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं इस कार्य के लिए यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय बहन शाश्वता जी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। ऐसा क्या घटना घटती है जीवन में जो कि हमें पता चलेगा कि हमारा सूर्य बिगड़ा हुआ है, या हमें सूर्य का प्रतिकार करना चाहिए, सूर्य का कोई उपाय करना चाहिए? ऐसा कुंडली देख के भी हम बात करेंगे, और कुंडली देखे बिना हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सूर्य खराब है या सूर्य के को कुछ हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। सूर्य हमारा आत्मा का प्रतीक है। सूर्य आत्मा का प्रतीक हो साथ साथ वो प्रकाश का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो स्पार्क लाता है, लाइटनिंग आती है, जो स्पार्क आता है हमारे पर्सनालिटी में, उसी का प्रतीक है। हमारे व्यक्तित्व को बहुत बढ़ाता है, वो निखारता है सूर्य। वो हमारा पिता का कारक है, गवर्नमेंट हाई अथॉरिटी और सत्ता का कारक है। वो हमारे जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाता है। ऐसे हड्डी, हृदय, पीठ और राइट आई को इसके ऊपर अधिकार रखता है। हमारा जो विल पावर है सूर्य, उसको बस मजबूत करता है। हमारा विल पावर को बहुत मजबूत करता है सूर्य, और हमारे जो हृदय है, हमारा आत्मा को बहुत पवित्र बनाता है। सूर्य अगर आपका अच्छा है तो जरूर आपका हृदय, आपका आत्मा बहुत पवित्र होता है। हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, कोई काम करने के लिए जो इच्छा रहती है, और हमारे जो पर्सनालिटी है, ये सबको निखारता है सूर्य। तो सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करेंगे कि सूर्य बिना कुंडली देखे हम कैसे, हमें पता चलेगा कि सूर्य हमारा अच्छा है या नहीं है, या क्या करना चाहिए सूर्य। अगर आपने कोई ड्रामा में है, मतलब स्टेज एक्टर है, आपने अगर फोटोग्राफी आपका हॉबी, आपका प्रोफेशन है फोटोग्राफी, आप लीगल प्रोफेशन में है, आप जज हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उसमें डील कर रहे हैं, उसमें कोई आपका बिजनेस है, अपने आपका अगर वूलन मटेरियल जो है या वूलन गारमेंट्स है, सॉल है, कार्डिगन है, इसके ऊपर कुछ आपका बिजनेस है, और आपने अगर मेडिकल लाइन में है, पर्टिकुलरली आपने अगर मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या मेडिसिन होलसेल मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर है, और आपने उसमें खुश नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है, आपको सूर्य के प्रतिकार करना चाहिए। अगर आपने बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको जॉब कहीं भी नहीं मिल रहा है, आपने बहुत कोशिश की फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है आपको सूर्य को मजबूत करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई गवर्नमेंट अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट से बहुत परेशान हो रहे हो, या आपके अगेंस्ट में पुलिस केस हुआ हुआ है, आप दोषी हो नहीं हो वो बात अलग है, आपके ऊपर कोई पुलिस केस पेंडिंग है, या आपके कोई ऐसा कोर्ट केस है, कोई मुकदमा हो चल रहा है जो कि सालों चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, अगर आपके पास सब काबिलियत है, जितने सारे पॉइंट्स है, सब कुछ आपके फेवर में है, फिर भी अपने लोन का अमाउंट सैंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लोन नहीं मिल रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पर जो ख्याति, जो नाम आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो नेम एंड फेम आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर किए, फिर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खड़े नहीं होते, आप पास नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं मिला आप। अगर आपके जो आपके नीचे जो काम करते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप जिनके बॉस हो, वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या आपके जो आपने ऑर्डर दे रहे हो, जो बोल रहे हो, वो फॉलो ही नहीं कर रहे। अगर आपने पब्लिक में अपमानित हो रहे हो, अगर आपको आपका गलती नहीं है फिर भी किसी ने आपको इंसल्ट करे जा रहा है, और ये अक्सर आपके साथ होता जाता है,
आपको अपमानित होना जा पड़ रहा है जबकि आपका कोई गलती नहीं है। आपके अंदर अपने आप में जो एक कॉन्फिडेंस रहता है, विश्वास रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये आत्मविश्वास ही आप खो चुके हो। आपको लगता ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा। ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि ये आपको सूर्य को आपको बलि करना पड़ेगा, सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। अगर आपने कोई हाई पोजिशन में हो, गवर्नमेंट में कोई हाई पोजिशन में या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आपने हाई पोजिशन में हो, आपके पोजिशन का जो पावर है उसको एग्जीक्यूट करते समय, उसको अप्लाई करते समय आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे करूं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आत्मशक्ति जो है, आपका जो आत्मविश्वास है उसमें कमी हो रही है। आपका सूर्य को आपको बलवान करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। अगर आपके सिर के बाल जो है वो काफी झड़ रहे हैं, रोज झड़ रहे हैं और ऐसा मानो लग रहा है कि पूरा बाल चले जाएंगे, लड़कियों में भी लेडीज में भी ये चीजें अब होने लगा है और आदमी लोगों में तो वो हो रहा है प्रॉब्लम। अगर ऐसा होता है और आपको बेवजह आपके धड़कन अचानक बढ़ने लगा, आपको बहुत बेचैनी होने लगा, कोई कारण कारण नहीं है, कुछ घटना ही नहीं घटी लाइफ में, ऐसे ही बैठे बैठे चलते चलते आपको अगर ऐसा बेचैनी होती है, हृदय के स्पंदन बढ़ने लगता है ऑल ऑफ सडन, तो आप समझ लेना कि आपका सूर्य कमजोर है। आपका सूर्य को आपको बल देना ही पड़ेगा, बलशाली बनाना ही पड़ेगा, बलवान करना ही पड़ेगा। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आपको, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप ये जान लीजिए, बिना कुंडली देखे ये आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है सूर्य का। अगर आपके पिताजी के साथ आपके संबंध को आप मधुर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनका प्यार पाना चाहते हैं, तो आपको सूर्य का रेमेडी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में हम पिताजी के साथ रहते हैं पर उनके साथ हमारा दिनों दिन बात नहीं होती, या हमने कुछ उनको बताना चाहते हैं तो वो सुनते ही नहीं है, या हमें हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। भले हम 45 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं, फिर भी पिताजी का हमारे ऊपर ऐसा रहता है कि वो हमारे सामर्थ्य के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते। ऐसे में आपके सूर्य को आपको बलवान करना ही चाहिए, करना चाहिए। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में, वो धार्मिक हो वो सामाजिक हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बड़ा पोजीशन पाना चाहते हैं जिसमें कि आपको पावर है, कुछ अथॉरिटी मिलेगा, ऐसा पोजीशन में आप जाना चाहते हैं, तो भी आपका सूर्य बलि होना बहुत जरूरी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, अगर हम कुंडली देखते हैं, तो हम देखेंगे कि कुंडली में सूर्य की स्थिति कहाँ है, सूर्य कहाँ है। अगर आपका सूर्य दो मैलेफिक, मतलब दो खराब ग्रह के बीच में बैठा हुआ है, या वो पापकर्तरी में बैठा हुआ है, या ग्रहण दोष बना हुआ है, ग्रहण योग बन गया है राहु या केतु के कारण, या वो शनि के नक्षत्र में है, या राहु के नक्षत्र में है, या सूर्य केतु के नक्षत्र में है, या राहु केतु या शनि से वो दृष्ट है, सूर्य जो है वो अपने नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, तो आपको सूर्य का रेमेडी करना ही चाहिए। रेमेडी कई प्रकार के होते हैं, आपने दान भी कर सकते हैं सूर्य का। सूर्य का दान ऐसा होता है कि आपको 5 किलो गेहूं, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का यूटेंसिल जो कोई भी हो, और 2.5 मीटर लाल कपड़ा किसी पंडित को सूर्योदय के समय या सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान करने के बाद, उनको समर्पण करने के बाद, उनका पैर छूके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते, आप ये भी कर सकते हैं डेली, नित्य प्रतिदिन डेली आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए एक, नहीं तो आपने सूर्याष्टकम भी एक बार दिन में सनराइज के समय, सूर्योदय के समय करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। नहीं तो आपने एक ताबीज भी धारण कर सकते हैं, जो बेल पत्ते की जो ट्री होती है, जो झाड़ होती है, उससे उसका जो मूल होता है, उसका जो रूट होता है, उसको लेके एक पिंक थ्रेड में आपने आपके बाहों में, नहीं तो आपके गले में धारण कर सकते। वो सुबह रवि का, रविवार के दिन सुबह उसको धारण करना चाहिए। आप नहीं तो रूबी भी धारण कर सकते हैं, पर रूबी धारण करने के लिए जो नियम है उस नियम को आपको मानना पड़ेगा। ये आपने और भी कुछ करना चाहते हैं तो तंत्रोक्त मंत्र जो है सूर्य का, वो मंत्र का आपने जाप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन एक माला या 108 बार, नहीं तो आपने सलंग बैठ के 7000 बार उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो सूर्य को मंत्र जो जाप करेंगे, तंत्रोक्त मंत्र, वो रविवार के दिन सूर्योदय के समय से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हमने सूर्य गायत्री मंत्र का भी हम पाठ कर सकते हैं।
जो बीज मंत्र है सूर्य भगवान का जो तंत्र में लिखा गया है वो ऐसा है, मैं आपको उसको उच्चारण करके बता रही हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। सूर्य गायत्री मंत्र उसको भी आपने 108 बार नित्य प्रतिदिन जाप करिए। वो मंत्र मैं आपको जाप करके बता रही हूँ। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अगर जन्म कुंडली में सूर्य पुरुष राशि में है तो आपको सूर्य शिव भगवान का पूजा करना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए। अगर सूर्य आपका फीमेल राशि में है, स्त्री राशि में है, तो आपको माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य चतुर्थ भाव में है तो आपको तुलसी के प्लांट में पानी रोज देना है और जो उगते हुए सूर्य को उनको नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार करने का भी विधि होती है, वो विधि के साथ अगर आपने सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आपके बर्थ चार्ट में आपके कुंडली में अगर सूर्य अष्टम भाव में है तो आपको ससुराल में झगड़ा, ससुराल वालों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भी झगड़ा या मारामारी हाथापाई कुछ नहीं करना चाहिए। ये मेल फीमेल आदमी औरत दोनों के लिए ये ससुराल में आपको झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है और आपके गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आप ओम का चैंटिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं अपने आपके क्रोध के ऊपर काबू पाने के लिए। अगर आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव में सूर्य है तो आपने विश्वासघातकता कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा कभी भी नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में। उगते हुए सूर्य देव को जल का समर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पण करने का भी विधि होती है, वो विधि के साथ आपने करना चाहिए या सूर्य देव के 2 घंटे के अंदर आपको करना चाहिए। मान लीजिए आपके आप जहां भी रहते हैं वहां पे मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आप 8 बजे के अंदर कर सकते हैं, 8-10 बजे भी नहीं कर सकते, 8:10 में भी आप वो नहीं करेंगे। कई लोग यही बोलते हैं कि जब हम जा रहे हैं ऑफिस, जाते जाते हम रास्ते में पड़ेगा शिव मंदिर, वहां चले जाएंगे और वहां पे हम जल दे देंगे सूर्यदेव को देख के, और तभी हो जाता है 9:30। और वो लोग आके यही बोलते हैं कि हमने तो सूर्य को कब से जल दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को देख के जल देना चाहिए और उसका एक विधि है, वो विधि को मानना चाहिए और नहीं तो सूर्योदय होने के 2 घंटे के अंदर आपको ये काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे एक बात जोड़ूंगा, जो सूर्य को जल देने की जो है उसमें भी एक मंत्र का प्रयोग किया जाता है। जी जी, वो है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और उसमें एक प्रिकॉशन हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पाँव पे छींटे ना आए। अगर आपके पाँव पे छींटे आए तो बाल्टी रख सकते हैं, हाँ बाल्टी रखें जिसमें पानी जाए और उसके बाद वो पौधे में पानी डाल दिया जाए। तो ये प्रिकॉशन साथ में लेना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल दे रहे होते हैं आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत को चला लें और अपने मन में एक बड़ी जितनी देर जल आप अर्पित कर रहे हैं उतनी देर आप मन में जाप करते रहे ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ये मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, कम से कम 11 बार तो अवश्य बोलना चाहिए। उससे अधिक अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ये साथ में करने से बहुत अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही श्रेष्ठ अद्भुत। और मेरे समझ से ऐसे सभी लोगों को जिनके सूर्य के पीड़ित होने से उनके जीवन में बहुत कुछ संघर्ष था, आज हमने समाधान देने का प्रयास किया है। और इस बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। और मेरा आपसे आग्रह है कि हम जल्दी नेक्स्ट ग्रह यानी चंद्रमा से संबंधित वीडियो के ऊपर बैठें और उसके ऊपर कार्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।